हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मंत्रा। मेरा नाम है रामा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल मंत्रा एडकॉम पे वीडियो एडिटिंग से संबंधित वीडियोस लाते हैं। अब तक हमने इस यूट्यूब चैनल पे करीब 1700 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कई सारे कोर्सेज हैं जो आप फ्री अवेलेबल हैं, आप आराम से इसमें सीख सकते हैं। उसमें आपको है प्रीमियर प्रो CS6, प्रीमियर प्रो CC, फाइनल कट प्रो 7, फाइनल कट प्रो 10, EDS 7, EDS 8 और EDS 10। इसके साथ साथ आफ्टर इफेक्ट्स से वीडियोस भी आपको यहां पर मिल जाते हैं, वो आप सीख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे प्रीमियर प्रो का बेसिक वीडियो एडिटिंग करने के लिए क्या आवश्यक होती है, चाहे आप बिगनर हों या यूट्यूबर हों, या आप वेडिंग वीडियो एडिटिंग कर रहे हों, या आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करना चाह रहे हों, तो उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। इस वीडियो में हम यूज करेंगे, ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है, इसमें क्या क्या नई नई चीजें ऐड की गई हैं और किस तरीके इसमें काम करना है, इस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। यदि आपको पूरा प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सीखना तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और हमारा प्रीमियर प्रो CC का जो है ट्यूटोरियल देख लीजिए। उसमें बहुत सारे ट्यूटोरियल, करीब 150 वीडियोज हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। और आज हम बात करेंगे केवल बेसिक वीडियो एडिटिंग जो प्रीमियर प्रो में की जाती है। सबसे पहले यदि आपने वीडियो एडिटिंग में यदि आप कर रहे हैं तो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया होगा, टास्क बार पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या इसके अलावा यहाँ पर भी आपको मौजूद हो जाता है, यहाँ से भी आपको ओपन किया जा सकता है। ओपन करने के बाद आपके सामने ये विंडो आती है सबसे पहले, जो लेटेस्ट वर्जन है। अब इसमें यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, न्यू प्रोजेक्ट एंड ओपन प्रोजेक्ट, और यहाँ पर आपको मिल जाता है रिसेंट प्रोजेक्ट, जो अभी आपने इस पर काम किया उसके लिए। तो यहाँ पर हम जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट पे, कैसे बनाया जाता है। ओपन प्रोजेक्ट पे करने के लिए कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो ओपन प्रोजेक्ट, जिस भी लोकेशन पे आपने अपने प्रोजेक्ट को बंद किया है या सेव किया है, वहाँ से ओपन करके वहाँ जाएंगे और वहाँ से ओपन कर लेंगे, आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जाता है न्यू प्रोजेक्ट में। न्यू प्रोजेक्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक विंडो आती है। ये एक अलग टाइप की विंडो है, जो प्रीवियस वर्जन में आपने देखा होगा वहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लगता है जब नए लोग आते हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आज हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे, क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम वाले जो फील्ड है, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का नाम दे देना है जो आप बनाना चाहते हो। हम बना देते हैं मंत्रा ट्रेनिंग ट्यूटोरियल न्यू, क्योंकि मंत्रा ट्रेनिंग ट्यूटोरियल हमारा आईडी बनाया हुआ था। इसको सेव करने के लिए अगली लोकेशन है, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रिसेंट में जो आपने यूज किया होगा उसकी लोकेशन दिखाता है। बाकी आप कोई नई लोकेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके नई लोकेशन पे चूज कर सकते हैं। जिस भी लोकेशन पे सेव करना चाहें वहाँ कर सकते हैं। हम यहाँ EDS में जाते हैं, मंत्रा में जाते हैं, यहाँ ट्यूटोरियल का फोल्डर है। आप यहाँ चाहें तो इसको सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट फोल्डर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वो पाथ आ जाएगा जिस भी लोकेशन पर आपने सेव किया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ फेवरेट लोकेशंस आती हैं जो आपको बाय डिफॉल्ट सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। यदि आप वहाँ पे कुछ सेव करना चाहते हैं या वहाँ से कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको फेवरेट में यहाँ मिल जाती हैं। जो डिवाइस आपके साथ जुड़ी रहती है उसके भी यहाँ लोकेशंस आते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो फोल्डर यहाँ चूज करेंगे, देख रहे हैं, उसकी फुटेज यदि यहाँ जो फुटेज होगी वो आपको यहाँ शो होगी। आप चाहें तो यदि आप क्लिक करके यहाँ से क्लिक करके उन फाइल्स को डायरेक्ट प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर सकते हैं। ये पहले ऑप्शन नहीं था, अभी नया ऑप्शन आया हुआ है। जिन जिन फाइल्स को आप यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए टिक करेंगे वो सारी फाइलें यहाँ पर आपको दिखाती रहेंगी। यहाँ से आप किसी भी लोकेशन पर जा करके उनको टिक करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बाद में जब प्रोजेक्ट आप न्यू बनाएंगे ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर इन वीडियोस को देखने के लिए ऑप्शन होता है आई आइकन, इसको छोटा बड़ा करके आप आइकन देख सकते हैं। थंबनेल व्यू है, लिस्ट व्यू है, इस तरीके से यहाँ पर आप डेट वाइज असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर होता है इनको देख सकते हैं, इनका कोई खास यूज होता नहीं है। आप टाइप देखना चाहते हैं, किस टाइप वीडियोज आप देखना चाहते हैं, खाली वीडियो वीडियो देखना है या खाली ऑडियो देखना है, यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपको ऐड करके दे दिया गया है। यहाँ राइट साइड में भी कई सारे ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कॉपी मीडिया, कॉपी मीडिया का मतलब ये होता है यदि आप चाहते हैं जब प्रोजेक्ट आप बनाएं तो वहाँ पर जो प्रोजेक्ट आपने यहाँ क्लिक किया है, जिनको टिक किया है, वो आपके फोल्डर में कॉपी हो जाए। जहाँ पर आप प्रोजेक्ट बनाएंगे वहाँ पर सेव करना चाहते हैं तो कॉपी मीडिया को चेक कर दीजिए। नया बिन बना के रखना है तो आप यहाँ कर सकते हैं। नया प्रोजेक्ट में आप नया सीक्वेंस बनाना चाहते हैं इसको टिक कर लीजिए। आप सीक्वेंस का नाम यहाँ दे सकते हैं, आप देना चाहें दे सकते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये नया ऐड कर दिया गया है। ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है जब आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो जो भी प्रोजेक्ट आप में आप वीडियो लेकर के आएंगे वो ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगा बैकग्राउंड में, आपको उसको अलग से कोई ऑप्शन देना नहीं पड़ेगा। आप कौन सी लैंग्वेज देना चाहते हैं यहाँ टिक करके आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, आप बना सकते हैं।
जब भी आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए, आप जिन जिन फाइलों को आपने यहाँ पर क्लिक किया था वो फाइलें यहाँ आ गई हैं, और जो टाइमलाइन आपने यहाँ पर नाम दिया था मंदा ट्रेनिंग की, टाइमलाइन ऑटोमेटिक बन के आ गई है, देख रहे हैं। और ये सारी फाइलें जो आपने लाए थे वो आपके टाइमलाइन पर ऑलरेडी ऐड हो गई हैं। ये इससे फायदा होता है, आप पहले ही प्रोजेक्ट में बना सकते हैं किन किन फाइलों को लाना है। चलिए हम शुरू करते हैं इसके बारे में और डेप्थ में जानकारी। जब पहली बार इसको आप ओपन करते हैं तो बहुत सारे कई सारे ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे लोगों को जो है डर लगने लगता है। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं, ये बहुत ईजी सॉफ्टवेयर है, बहुत ही कस्टमाइज किया जाने वाला सॉफ्टवेयर, इसको आप कहीं से कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हैं। हम आपको एक एक चीज़ बता रहे हैं कि कैसे आपको करना है, बस आप ये पूरा वीडियो देखिएगा। इस वीडियो देखने के बाद आप इस कंडीशन में पहुंच जाएंगे कि आप ये काम कर पाएंगे, किस तरीके से आप इसमें काम करना चाहते हैं। ये होता प्रोजेक्ट पैनल, ये होता है सोर्स पैनल, ये होता है प्रोग्राम पैनल, ये है टाइमलाइन, और ये होता है आपका ऑडियो मीटर। ये हमारा काम करने का तरीका है। और यहाँ पर एक होता है एसेंशियल ग्राफिक्स, यदि आप यहाँ पर एसेंशियल ग्राफिक्स देखेंगे एक ये विंडो होती है। अब हम आगे बात करेंगे इंटरफेस के बारे में, इंटरफेस में किस तरीके से हम इसको एडजस्ट करते हैं। ये बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर इंटरफेस मिलता है, हर तरीके से काम करने के लिए अलग अलग इंटरफेस आपको यहाँ मिल जाते हैं। विंडो में जाएंगे, वर्क स्पेस पहला ही ऑप्शन होता है यहाँ पर, ये देखिए 1 से लेकर 9 तक शॉर्टकट्स होते हैं। ये अलग अलग काम करने के लिए आपको अलग अलग टाइप के इंटरफेस प्रोवाइड करता है। लर्निंग जाएंगे तो जो है आपको लर्निंग का इंटरफेस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी पैनल, कलर करेक्शन करना है तो कलर करेक्शन के लिए अलग पैनल होते हैं, उन सारे पैनल्स की आवश्यकता होती जो कलर करेक्शन के लिए जरूरत होती वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अलग अलग वर्क स्पेस काम करने के हिसाब से अलग अलग टाइप के आपको वर्क फ्लो मिल जाते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं एडिटिंग बारे में, एडिटिंग वाले पर क्लिक करते हैं क्योंकि हमको बेसिक एडिटिंग सीखनी है, या लर्निंग पे कर सकते हैं जो लर्न करना है, लर्निंग जाते हैं लर्न करने के, लर्न करने का जो वर्क फ्लो आपको ये दिया हुआ है बेसिकली इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या है, कुछ भी प्रोग्राम मॉनिटर यहाँ पर है, सोर्स मॉनिटर यहाँ पर है, इफेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर आपको एक विंडो जो प्रोजेक्ट पैनल है वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ प्रोजेक्ट पैनल, ये प्रोजेक्ट पैनल इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ मिल जाता है इस तरीके से। यदि आपका कोई पैनल नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से क्लिक करके चेक करके उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं किसी पैनल को। ये एक वर्कफ्लो है, इसमें और क्या चेंजेस किए जा सकते हैं ये बेसिकली हमें बहुत पर्सनली बहुत पसंद है, मैं इसी तरीके से काम करता हूँ, ये मेरा अपना खुद का लुक एंड फील है। लेकिन कुछ लोग अलग अलग करते हैं, कुछ लोग अलग अलग करने के लिए आपको क्या करना है, यदि आपको किसी विंडो को छोटा बड़ा करना तो ये जो है हर पैनल के बीच में डिवाइडिंग लाइन है, डिवाइडिंग लाइन को ऊपर नीचे करके आप किसी भी विंडो को बड़ा छोटा कर सकते हैं, चाहे हॉरिजॉन्टल करना हो या वर्टिकल करना हो। ये इस तरीके से आप किसी विंडो को बड़ा भी कर सकते हैं, किसी विंडो को आप छोटा भी कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, एक पैनल को दूसरे पैनल में एडजस्ट करने के लिए भी इसमें ऑप्शन होते हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल पैनल है, इफेक्ट कंट्रोल पैनल को हम चाहते हैं यहाँ लाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, इसको ड्रैग करना है सिंपली। यहाँ पर जब लेकर के जाएंगे तो आपको 5 हॉट स्पॉट दिखेंगे, एक टॉप में, एक लेफ्ट में, एक बॉटम में, एक राइट में और सेंटर में। अब यहाँ पर ये 4-5 प्रकार से ये इस पैनल में ऐड किया जा सकता है। सबसे पहले होता है सेंटर, सेंटर में क्लिक करेंगे तो ये वाला पैनल यहाँ से हट करके इसमें ऐड हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे आ गया है। अब लेकिन यदि हम चाहते हैं कि ये पैनल इसमें ऐड ना हो, एक अलग विंडो तरीके से आए, तो विंडो किधर चाहिए, टॉप में चाहिए, बॉटम में चाहिए, राइट में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, तो इसको ड्रैग करके लाएंगे, देखो लेफ्ट में करेंगे तो लेफ्ट एक अलग जो है आपकी अलग से पैनल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, देखिए अलग से ही पूरा पैनल बन जाएगा, देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी विंडो में इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में, कहीं पर भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, एक नई विंडो क्रिएट कर सकते हैं। यदि उस पैनल के अंदर आप रखना चाहते हो सेंटर में ड्रैग करिए तो ऑटोमेटिक यहाँ इसके अंदर आ जाएगा। अब आपका देखिए ये सब डिस्टर्बेंस हो गया है, अब इसको फिर से सही करना है तो क्या किया जाए, तो विंडो में जाएंगे, लेआउट में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे लर्निंग, लर्निंग की सेटिंग में को आप रीसेट सेव्ड लेआउट पर क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। बेसिकली लर्निंग का ये वर्क फ्लो है। यहां पर जो सबसे बेसिक होता है लर्निंग का या एडिटिंग का, हम दो ही वर्क फ्लो को यूज करते हैं। यहां पर हम जाएंगे सबसे पहले लर्निंग वाले पे, लर्निंग पे क्लिक करेंगे, ये लर्निंग का वर्क फ्लो है। यहां पर क्या होता है, ये ट्रेनिंग ट्यूटोरियल्स जो प्रोवाइड करते हैं ये आपको यहां पर डायरेक्ट मिल जाते हैं, यहीं से आप सीख सकते हैं। आपको क्या सीखना है इस बारे में पूरे ट्यूटोरियल्स के यहाँ लिंक रहता है, आप सर्च कर सकते हैं। यदि आप ये सब्सक्रिप्शन लिया होगा तो ऑटोमेटिक आपको ऑनलाइन जो इसके लिंक दिए उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रोफेशनली काम करते हैं तो ये आपका वर्कफ्लो काम नहीं करता है,
तो हम यहाँ विंडो में जाएंगे, वर्क स्पेस में जाएंगे, यहाँ पर चलेंगे एडिट करने के लिए। यहाँ एडिटिंग का वर्क फ्लो दिया जिसका शॉर्टकट है अल्टर शिफ्ट एस, जिसका शॉर्टकट है अल्टर शिफ्ट 6, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो अब आप देखें यहाँ पर ये एक अलग टाइप का वर्क फ्लो आ गया है, प्रिफरेंसेस में वर्क स्पेस क्रिएट हो गया है। लेकिन वीडियो एडिटिंग में आपको कौन सा वर्क स्पेस चाहिए क्या नहीं चाहिए, उस तरीके से हम इसको मैनेज करेंगे। मैनेज करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी विंडो को छोटा बड़ा करने के लिए इसकी डिवाइडिंग लाइन पर क्लिक करेंगे। आराम से लेफ्ट राइट करके इसको छोटा बड़ा किया जा सकता है, चाहे आपको हॉरिजॉन्टल करना हो या वर्टिकल करना हो, कुछ भी कर सकते हैं आप। विंडो को अपने वर्क इसके हिसाब से काम कर सकते हैं। अब हम जो प्रोफेशनली यूज करते हैं तो हमको ये काम करने के लिए टाइमलाइन विंडो बहुत ज़्यादा बड़ी चाहिए होती है, तो उस समय हम क्या करेंगे, कैसे करें, ये जो हमारा पर्सनल है मैं बताता हूँ किस तरीके से किया जाता है, कैसे मैनेज करते हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये जो पैनल्स के अंदर जो आपको ये टैब्स दिख रहे हैं, ये भी पैनल ही हैं, ये एक विंडो के अंदर अटैच कर दिए गए हैं। लेकिन हमको क्या करना है, इनको एक दूसरे विंडो को अटैच कैसे करना है, कैसे मूव करना है, कैसे रिमूव करना है, इस बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, कुछ सारे पैनल्स ऐसे हो जिनकी हमें आवश्यकता ही नहीं होती है, लेकिन ये आपको बाद में पता चलेगा जब आप काम कर लेंगे कुछ दिन, तब आपको पता चलेगा। जैसे मीडिया ब्राउजर का हमें ज्यादा कोई आवश्यकता पड़ती नहीं, इसको हम राइट क्लिक करके यहां से क्लोज पैनल कर देते हैं। कभी भी ये चैनल को क्लोज किया जा सकता है। लाइब्रेरी हमें नहीं चाहिए, क्लोज कर दीजिए। इन्फो हमें नहीं चाहिए, क्लोज कर दीजिए। मार्कर्स के हमें अभी आवश्यकता नहीं, ये एडवांस लेवल का तब चाहिए होगा तो हम फिर से इसको ऐड कर लेंगे। हिस्ट्री हमको नहीं चाहिए, तो यहां पर हम इस पैनल में दो चाहिए। अब यहां पर इसको स्पेस बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर क्या होता है, हम किसी भी पैनल को किसी दूसरे पैनल के साथ अटैच कर सकते हैं और किसी भी दूसरे पैनल को हम यहां से इसको हटा भी सकते हैं। तो यहां पर क्या है, यदि हम यहां इसके साथ जब पैनल को किसी दूसरे पैनल पे ड्रैग करते हैं तो यहां पर देखिए आपको 5 टैब दिख रहे हैं, सेंटर में, टॉप में, बॉटम के साथ साथ लेफ्ट में, बॉटम में और राइट में। आप कहीं पर भी इसको रख सकते हैं, लेकिन क्या है, यदि इसी पैनल के साथ आपको अटैच करना है तो सेंटर में डालना है, लेकिन यदि आप इस पैनल को अलग से विंडो बनाना चाहते हैं तो लेफ्ट में, टॉप, बॉटम या राइट में कहीं पर ड्रॉप करेंगे। यहां हम क्या करते हैं, ड्रॉप कर रहे हैं लेफ्ट में। तो क्या हुआ, लेफ्ट में एक और पैनल आ गया, ये इसको छोटा कर दिया और इसको उसने बड़ा कर दिया है। अब क्या है, यहां पर यह बचा, इसको हम इस पैनल के साथ लाना चाह रहे हैं तो इसको ड्रैग करेंगे, इसको लेफ्ट राइट ना करके सेंटर में ड्रॉप करेंगे। जब सेंटर में ड्रॉप करते हैं तो ये ऑटोमेटिक यहां इफेक्ट पैनल बन जाता है। ओके, अब यहां पर एडजस्टमेंट शुरू होती है थोड़ा सा, जैसे ये विंडो ज्यादा बड़ी है तो इसको हम ड्रैग करके यहां ले आते हैं, ड्रैग थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। अब यहां पर चाहे तो ये टूल्स को आप यहां भी रख सकते हैं, और यहां ऑडियो मीटर है। अब इन टूल्स को हम जो पर्सनली क्या करते हैं यहीं पे, क्योंकि हम लोग ज्यादातर टूल्स में हम यहां पे काम करते हैं, यहां पे एडिट करते हैं, और यहीं से आपको बहुत सारे टूल्स की आवश्यकता होती है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको ड्रैग करके यहीं पर एक पैनल बना लेते हैं इन दोनों के बीच में। ये मेरा पर्सनल है, जरूरी नहीं कि आपको ये लगे, आप करें, आप चाहें तो कहीं भी रख सकते हैं। अब यहां क्या, इससे फायदा क्या होता है, इस तरीके से क्या होता है कि हमें टाइमलाइन का जो एरिया होता है ना वो बड़ा मिल जाता है, जिससे हमको काम करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो ये वर्क फ्लो हो जाता है। अब वर्क फ्लो ये डिजाइन हो गया, अब इन फ्यूचर में ये वर्क फ्लो हमारा काम करे और जब चाहे तो हमको एक्सेस हो जाए, तो यहां पर विंडोज में जाकर, वर्क स्पेस में जाकर के इसको हम सेव भी कर सकते, सेव न्यू वर्क स्पेस करेंगे। यहां पर हम करेंगे मंत्रा ट्रेनिंग, ओके करेंगे। तो यहां पर जब जाएंगे विंडोज में तो यहां पर इस नाम का आपको ये आपको वर्क स्पेस मिल जाएगा, जब भी आप चाहें इसको आप यूटिलाइज कर पाएंगे। जैसे हम अभी लर्निंग जाएंगे तो ये हो गया, यदि हमको फिर से अपना वाला चाहिए तो विंडो में जाएंगे तो यहां से जाकर के इसको हम मंत्रा ट्रेनिंग क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इसको हम ट्रेन कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, काम करने के दौरान हमको बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, जैसे कुछ चीजें बंद हो जाती हैं, या यहाँ पर कोई चीज बड़ी हो जाती है या कोई छोटी हो जाती है, कहीं कुछ मिसप्लेस हो जाता है, ऐसे हो जाता है, तब क्या करेंगे। तो होता क्या है, जब वर्क स्पेस में जाते हैं यहां पर इसको हम रीसेट करना है आपके ओरिजिनल उसे टाइम पे जब हमने सेव किया था। तो यहां पर रीसेट शिफ्ट लेआउट का ऑप्शन होता है जिसका शॉर्टकट है अल्टर शिफ्ट 0, क्लिक करेंगे तो आप जिस तरीके से इसको सेव किया था उस कंडीशन में ये पहुंच जाएगा।
यहां पर ये वर्क स्पेस की उम्मीद करता हूं आपकी समस्या सॉर्ट आउट हो गई होगी। यहां पर बहुत सारे टूल्स और बहुत सारे आइकन्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे विस्तार से अन्य वीडियोस में। यहां पर ये टूल्स हैं और ये आपका टाइमलाइन, सबसे बड़ा जो वर्क स्पेस बनता है वो टाइमलाइन का, जिसमें बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं। यहीं पर हम सब लोग वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग फुटेज लेकर के आते हैं वो कैसे करते हैं, इस बारे में हम बात करते हैं। तो यहां पर वर्क स्पेस सेट होने के बाद सबसे पहले आपके पास ऑप्शन होता है कि फुटेज को हम लाते कैसे हैं। फुटेज को, फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हम यहां पर कई सारे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। सबसे पहले डबल क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको एक विंडो मिल जाती है, यहां से आप किसी भी फाइल को आप ड्रैग करके, यहां से क्लिक करके आप ओपन करके यहां पर ला सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, यहां पर फाइल में जाकर के यहां पर आपको मिल जाता है इंपोर्ट ऑप्शन, इंपोर्ट ऑप्शन मिल जाता है और जिसका शॉर्टकट कंट्रोल आई है, इसका भी यूटिलाइज करके आप वीडियोस को इंपोर्ट कर सकते हैं। यहां पर फुटेज लाने के बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले यहां पर फुटेज को देखने के लिए कई सारे तरीके दिए गए, लिस्ट व्यू है, आइकन व्यू है, ये आपका फ्री फॉर्म व्यू है, ये आपका आइकन व्यू है, ये लिस्ट व्यू है, ये आपका प्रोजेक्ट राइटेबल या नॉट राइटेबल, इसको लॉक करना है तो इसके लिए किया जाता है। आप आइकन्स को बड़ा छोटा करके भी यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर कैसे आपको सिस्टमेटिक बनाना है, किस तरीके से देखना है, वो ऑप्शंस आपको यहाँ दिखाई पड़ जाते हैं। ऑटोमेटेड सीक्वेंस, ये सारी फुटेज को टाइमलाइन पे लेकर के आना है तो ऑटोमेटेड सीक्वेंस क्लिक करेंगे, और किस तरीके से लेके आना है, आपको ऑर्डर क्या रखना है, सीक्वेंसली रखना है, फ्रेम रेट क्या कर, ओवरलैप एक दूसरे को ओवरलैप कितने फ्रेम करना है, तो ये सारी जानकारी आप यहाँ देंगे तो आप यहाँ पर सारी फुटेज को आप यहाँ टाइमलाइन पे ऑलरेडी इंपोर्ट कर सकते हैं। जितनी भी फुटेज आपके प्रोजेक्ट में है वो सारी आ जाएंगी जो आपने यहाँ सेलेक्ट किया है। इसके अलावा कोई सर्च करना है तो उसके लिए आपको यहाँ ऑप्शन अवेलेबल रहता है, कोई चीज़ सर्च करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पर एक ड्यू बिन, बिन का मतलब होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट में कैसे क्या मैनेज करते हैं। होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हम प्रोजेक्ट में लेकर के आते हैं, चाहे आपका ऑडियो हो, वीडियो हो, साउंड इफेक्ट हो, म्यूजिक हो, वॉइस ओवर हो, इससे ग्राफिक्स भी होते हैं, बहुत सारे लेकर आना होता है एडिट करने के लिए, तो सीक्वेंसेस भी होते हैं, कैसे मैनेज करना है ये आपको जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके लिए मैनेज करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका बिन। बिन को हम यहाँ पर लगते हैं फुटेज, चार पांच बिन हम यहाँ बना लेते हैं, इसको लिस्ट व्यू में लेके जाते हैं, यहाँ आपको सब दिखाई पड़ जाता है। अब यहाँ पर आइकन समझ में आ जाता है किसमें ऑडियो है किसमें वीडियो है, यहाँ पर ऑडियो अभी नहीं आ रहा है तो मैं ऑडियो ले करके आता हूँ आपको दिखाने के लिए। म्यूजिक, म्यूजिक कुछ म्यूजिक लेकर के आते हैं, यहाँ पर कुछ म्यूजिक लेकर के आ गए, कुछ स्टिल्स भी लेकर के आ जाते हैं। अब हम कंट्रोल आई क्लिक करेंगे, स्टिल में जब जाते हैं तो यहाँ डाउनलोड इमेजेस हैं, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको इमेजेस मिल जाती हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आप इमेजेस आपको यहाँ पर ये मिल जाएंगे। अब यहाँ पर तीन चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही होंगी, एक का आइकन देखिए ये दिख रहा है, ये इमेजेस का है, ये ऑडियो वीडियो जिसमें है तो ऑडियो वीडियो का है, जिसमें केवल वीडियो है तो उसका ये आइकन है, ये सीक्वेंस का आइकन है और ऑडियो का ये आइकन है। इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा ऑडियो कौन सा है, वीडियो कौन सा है, साउंड कौन सा है और टाइमलाइन कौन सी। लगभग चार प्रकार की आपको वीडियोस कंटेंट यहाँ मिल जाता है, एक सबसे पहले आपका सीक्वेंस, दूसरा वीडियो, फिर ऑडियो, फिर इमेजेस, चार प्रकार का ही कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो उसको आप अलग अलग तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको फोल्डर बनाइए, म्यूजिक हो गया, इमेज बना लीजिए, स्टिल बना लीजिए, या इसके अलावा ग्राफिक्स रखना चाहते हैं, जो स्टिल है इमेज में रख देते हैं, इमेज की स्पेलिंग गड़बड़ है, ठीक है। अब यहां पर ये ऑडियो का आइकन है, इसको ऑडियो में रख देते हैं। अब ये सारा आपका मैनेज हो गया। मैनेज होने से क्या होता है, बहुत सारा आसान हो जाता है काम करना, क्योंकि ये मैं प्रोफेशनली आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से हम जो प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो इसी तरीके से शुरू करते हैं कि पहले हम फुटेज को इंपोर्ट करते हैं, फिर इसको कैटेगराइज करते हैं, म्यूजिक को म्यूजिक में रखते हैं, ऑडियो को ऑडियो में रखते हैं, इमेजेस को इमेजेस में रखते हैं, फुटेज को फुटेज में रखते हैं, या उसके अंदर कोई सब कैटेगरी भी बनानी है तो सब कैटेगरीज भी बनाते हैं, तो सब कैटेगरीज भी यहाँ पर आप बना सकते हैं। तो ये सीक्वेंस हो गया, म्यूजिक हो गया, इमेज हो गया, ग्राफिक्स है, फुटेज है, और म्यूजिक दो बन गए हैं तो म्यूजिक एक को हम हटा देते हैं। देखिए ये चार प्रकार के ग्राफ आपको फुटेज इंपोर्ट होती है, एक सीक्वेंस जिसको हम टाइमलाइन बोलते हैं उसको हम सीक्वेंसेस भी बोलते हैं। आप चाहें तो टाइमलाइन का एक फोल्डर बना सकते हैं या सीक्वेंस का फोल्डर बना सकते हैं, जिसमें यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीक्वेंस हैं तो बनाइए, नहीं तो आप रूट पे इसको रहने दीजिए। तो इस तरीके से आप किसी फुटेज को मैनेज कर सकते हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा।
काम करने। अब क्या होता है जब इंपोर्ट करते हैं तब डबल क्लिक करके क्या ऐसे क्लिक करें तो वो नहीं खुलना, तो क्या करते हैं इन बिन को आप यहाँ टैब के रूप में भी ला सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे, देखिए किसी भी बिन पर डबल क्लिक करेंगे तो वो टैब के रूप में यहाँ मिल जाते हैं। ये बहुत आसान होता है किसी भी फुटेज को सर्च करना, देखना। अब इन सारे को भी आप आइकन व्यू में, लिस्ट व्यू में या फ्री आइकन व्यू में आप यहाँ पर रख सकते हैं, उनको सर्च कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, आपकी मर्जी है डबल क्लिक करके। यहाँ पर और भी ऑप्शंस बहुत सारे मौजूद होते हैं प्रीव्यू करने के लिए, आप किसी भी क्लिक करके आप ऐसे कहीं पे क्लिक को आप प्रीव्यू कर सकते हैं। यदि आप मार्किंग करना है यहीं इन और आउट लगा कर मार्किंग भी कर सकते हैं, और मार्किंग करने के बाद उसको टाइमलाइन पे लाने के लिए आपको केवल उतना ही पोर्शन लाना है तो आप यहीं से मार्क करके टाइमलाइन पे ला भी सकते हैं। इसके अलावा इन आउट लाने के लिए और ऑप्शंस भी हैं जिनका हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आ सकते हैं। इसके बारे में हम आगे बताएंगे, हमने यहाँ बता दिया केवल आप किसी भी वीडियो को यहाँ देखा जा सकता है, प्रीव्यू किया जा सकता है और मार्क भी किया जा सकता है। चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आप क्या करते हैं आगे, अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है रफ कट करना। कैसे करेंगे, आप किसी वीडियोज पे यहाँ फुटेज जाते हैं देखने के लिए ये ऑप्शन होते हैं, यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ बहुत सारे फुटेज है आप देख सकते हैं कैसे कैसे रफ कट करना है, कैसे मार्किंग करना है। यदि आपको कोई पोर्शन लेना है तो जब डबल क्लिक करते हैं ये ऑटोमेटिक सोर्स में आइटम में ओपन हो जाता है। यदि आपको बेहतर प्रोफेशनली काम करना है तो हम सदैव किसी भी वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर हम इस तरीके से इसको स्क्राइब कर सकते हैं, या यहाँ से तो छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ से प्ले भी कर सकते हैं, वन फ्रेम रिवाइंड, वन फ्रेम फॉरवर्ड, इन पॉइंट या आउट पॉइंट यदि आपने लगा रखा है तो इन आउट आउट पॉइंट पे जाने के लिए, इसका इन पॉइंट पे जाने के लिए, इसका आउट पॉइंट पे जाने के लिए, इन आउट लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, आउट पॉइंट लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इस तरीके से को प्ले और किया जा सकता है। ये इंसर्ट एंड ओवरराइड मोड टाइमलाइन पे क्लिप को लाने के लिए किया जाता है, ये फ्रीज फ्रेम बनाने के लिए काम किया जाता है। इसके बारे में डिटेल में हम आपको बताएंगे आगे और वीडियोज जब देखेंगे, फिलहाल आपको मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या है। तो मार्किंग करने के लिए सबसे पहले आपको इन लगाना होता है, उसके बाद जहां तक आपको क्लिप लेना होता है वहां तक आउट लगाना पड़ता है। ये बहुत ज्यादा छोटा एरिया दिख रहा है, तो यदि आपको मार्किंग एरिया जूम करना है तो आप इस एरिया को आप थोड़ा सा इससे इस आइकन से आप इसको स्केल कर सकते हैं। इससे क्या होता है आप थोड़ा सा बहुत आसानी से आप अपनी टाइम को व्यू कर सकते हैं, देख रहे हैं। अब आपको केवल लड़का वाला विजुअल चाहिए, इन कर लिया और जहां तक चाहिए आउट कर लिया। अब टाइमलाइन पे लाने के लिए एक ऑप्शन ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, आपको खाली वीडियो लाना है तो आप इसका यूज करेंगे, यदि इसके साथ ऑडियो है। अब यहां पर एक चीज और आ गई, आपको कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग। यहां पर क्या है आपसे ये पूछ रहा है कि जिस भी क्लिप को आपने टाइमलाइन पे लेकर आ रहे हैं उसकी सेटिंग और आपके टाइमलाइन के सीक्वेंस की सेटिंग अलग अलग है, उसको आपको मैच कराना है या नहीं कराना है तो आप यहाँ पर कीप एग्जिस्टिंग क्लिप कर सकते हैं या चेंज सीक्वेंस सेटिंग कर सकते हैं। जनरली हम लोग कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग ही करते हैं क्योंकि हमें टाइमलाइन के हिसाब से क्लिप को रखना है, क्लिप के हिसाब से टाइमलाइन रखना नहीं होता है। सीक्वेंस की सेटिंग आपको ये देखना है तो सीक्वेंस में जाएंगे, सीक्वेंस सेटिंग में जाएंगे, यहाँ देख लीजिए आपको क्या है। यहाँ पर सीक्वेंस सेटिंग कुछ गड़बड़ बनी हुई है, इसका साइज सही नहीं है, तो हम एक नया सीक्वेंस कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करते हैं, फिर यहाँ चलते हैं। नया सीक्वेंस बनाने के लिए न्यू पे जाएंगे, यहाँ पर आपको सारे न्यू सीक्वेंस का ऑप्शन होता है जिसका शॉर्टकट कंट्रोल एन होता है, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप क्या लेना चाहते हैं और कैसे लेना चाहते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन चुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग बहुत सारे फॉर्मेट पे काम करते हैं। यहाँ पर हम आपको कुल तीन फॉर्मेट बता रहे हैं किस तरीके से आपको काम करना चाहिए। यदि आप ब्रॉडकास्टिंग में टीवी न्यूज के लिए काम करना है तो आपको एक्सडीकैम एचडी 422 पे काम करना है, जो आपका ब्रॉडकास्टिंग फॉर्मेट इंडिया में चलता है उसके लिए हम लोग सबसे हाई क्वालिटी में नेटिव फॉर्मेट के लिए हम एचडीकैम एचडी 422 1080i P25 का ही यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि प्रोग्रेसिव यूज करते हैं तो पी का, और यदि आप आई यूज करते हैं तो 1080 2i, ठीक है। यहाँ पर जल्दी जो वीडियो कैमरा होते हैं इंडिया में जो वेडिंग वीडियो एडिटिंग करते हैं वो ABC HD होते हैं, इसमें आपको जल्दी हम आप लोग HDP में ही शूट करते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन होता है ABC HD 1080p 25, यही लेना है। 50 वाला नहीं लेना है क्योंकि NTSC या पॉल वाला ना करके आपको इंडिया में 25 फ्रेम ही चलता है, तो आप सदैव 1080p 25 ही लेना है। यदि आप DSLR पे काम करते हैं तो क्या करना, तो यहाँ आपको DSLR दिख रहा होगा, DSLR, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है DSLR पे काम करने के लिए। यदि आप DSLR से वीडियो शूट किया है तो आप यहाँ पर ये DSLR 1080p 25 का ले लेंगे।
ये आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि आपके वीडियो जो कैसे एडिट करना है, कैसे इसको रखना है, कैसे इसको पूरा समाहित करके आपको एक्सपोर्ट करना है, ये सारा कुछ काम डिसाइड करता है आपकी टाइमलाइन की सेटिंग। तो आपको टाइमलाइन की सेटिंग इस तरीके से करनी है। हम फिलहाल ले लेते हैं 1080p 25 पे गए और ओके कर दिया। ये अब यहाँ पर टाइमलाइन की सेटिंग बन गई है। आप चाहें तो पुरानी टाइमलाइन सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यदि हम चाहें इसको सेट कर चेंज करना चाहें तो सीक्वेंस में जाएंगे, सीक्वेंस सेटिंग जाएंगे, यहाँ पर आपको कस्टम आइकन, यहाँ पर भी आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप यहीं से इसको चेंज कर सकते हैं। इंडिया में फ्रेम रेट 25 होता है, 29, 23, 24 पे कभी काम नहीं करना है। 24 फिल्मों में काम होता है, 25 इंडिया में वीडियो इंडस्ट्री में काम होता है, 30 जो है NTSC फॉर्मेट होता है, जो आउट ऑफ इंडिया अमेरिका US वगैरह में होता है। तो हम यहाँ 25 पर सेकंड पे ही काम करेंगे। और हमारा जो साइज होता है HD का 1920x1080 होता है। आप ओके कर देंगे तो आपकी करंट सेटिंग की भी चेंज हो जाएगा सीक्वेंस का। अब यहाँ पर हम मार्किंग पे बात कर रहे थे। मार्किंग करने के लिए आपको इन आउट का प्रयोग कर सकते हैं। इन का आई होता है और आउट का ओ होता है। जब इन आउट लग जाता है, इन आउट की ड्यूरेशन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ती है, कितने सेकंड आपने मार्किंग किया है। इसको टाइमलाइन पे लाने के लिए 3-4 तरीके हैं। आप चाहें तो ड्रैग करके आप यहाँ पर डायरेक्ट ला सकते हैं, फिर कीप एक्सिस्टेंस सेटिंग पे ही क्लिक करेंगे। यदि आप पहली क्लिप जब आप डालते हैं टाइमलाइन पर, तो ये आपसे जरूर पूछेगा, यदि टाइमलाइन की सेटिंग और आपके क्लिप की सेटिंग मैच नहीं कर रही तो आपसे पूछेगा ये हम चेंज करना चाहते हैं, आप टाइमलाइन की सेटिंग रखना चाहते हैं या क्लिप की सेटिंग रखना चाहते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे अन्य ऑप्शन भी मिल जाते हैं। इंसर्ट हमने बता ही दिया, यहाँ से ड्रैग करके भी ला सकते हैं। यदि आपको केवल वीडियो लाना है, केवल ऑडियो लाना है, तो आप यहाँ से केवल वीडियो ला सकते हैं। यदि इसके अंदर ऑडियो है तो ऑडियो यहाँ ला सकते हैं। इसमें ऑडियो है नहीं, इसलिए ये आपको ऑडियो लेके नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर और दो ऑप्शन होते हैं। इंसर्ट मोड में टाइमलाइन पे जो आपने सेलेक्ट किया है उसको टाइमलाइन पे लाने के लिए आपके पास यहाँ आपको इंसर्ट मोड भी होता है और यहाँ पर एक ओवरराइड मोड भी होता है। ये दो ऑप्शन होते हैं अवेलेबल, जिसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। ये कैसे काम करते हैं मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर जब आप इंसर्ट ओवरराइड करेंगे तो आपको समझ आएगा नहीं, लेकिन जब इंसर्ट यहाँ करते हैं या यहाँ करते हैं आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब आप कहीं क्लिप पे के बीच में इंसर्ट करते हैं, जैसे यहाँ इंसर्ट करेंगे तो होता क्या है, जब क्लिप इंसर्ट होती है तो जहाँ पर आपका प्लेहेड होता है तो यहाँ पर ये क्लिप ऐड हो जाती है और आपका पूरा सीक्वेंस आगे की तरफ जो है खिसक जाता है, मतलब आगे की ओर बढ़ जाता है। जब ओवरराइड करते हैं तो आप ये आगे की तरफ नहीं बढ़ाता है, ये उसके ऊपर ही आ जाता है बेसिकली। देख रहे हैं ये, अब इंसर्ट करेंगे तो ये इंसर्ट का मतलब होता है किसी चीज के बीच में घुस जाना, ओवरराइड का मतलब है जो पहले से मौजूद है उसके ऊपर ओवरराइड हो जाना। तो ये दोनों इंसर्ट ओवरराइड है, इनके आपका शॉर्टकट कमांड जो है कामा है और ये फुल स्टॉप जो लगाते हैं वो बटन है, ठीक है, कामा एंड फुल स्टॉप इसका शॉर्टकट है, इनका भी यूटिलाइज कर सकते। इस तरीके से आप कहीं पे रफ कट करने के एक और तरीके भी यहाँ पर होते हैं। यदि आप टाइमलाइन पे आप उम्मीद करते हैं आपको मार्किंग करना है, टाइमलाइन पे लेकर के आना समझ आ गया होगा किस तरीके से आपको टाइमलाइन पे लेके आना है। अब समस्या क्या होती है, ट्रैक, यहाँ पर ट्रैक कैसे डिसाइड होगा, जो हम यहाँ लेकर के आ रहे हैं, जो हम यहाँ लेकर आ रहे हैं कैसे डिसाइड होता है। यहाँ पर क्या होता है, टाइमलाइन के शुरुआत में ट्रैक हेडर होते हैं, ट्रैक हेडर ही डिसाइड करता है आपका जो वीडियो आ रहा है वो किस ट्रैक पे आएगा। जैसे हमने यदि आपको यहाँ B2 पे कर दिया, इसको हमने A2 पे कर दिया और यहाँ से हम कुछ भी ऐड करेंगे तो आपका देखिए ट्रैक डिसाइड हो गया है। हमने बता दिया कि ट्रैक इसका वीडियो यहाँ पर आएगा और ऑडियो यहाँ पर आएगा। इस लाइन के ऊपर जो बी वाले ऑप्शन है ये वीडियो ट्रैक है, ए वाले जितने दिख रहे हैं ये ऑडियो ट्रैक्स हैं। ऑडियो ट्रैक पे लाना तो आपको ये बताना पड़ेगा, इसको ड्रैग करके आपको लाना पड़ेगा कि आपको ऑडियो कहाँ चाहिए और इससे आपको डिसाइड करना पड़ता है आपका वीडियो कहाँ चाहिए। जिस ट्रैक पे ये अटैच होंगे आपका वीडियो या ऑडियो उसी ट्रैक पे ही आएगा। यदि आपका ये अटैच नहीं है और ये अनलिंक है तो आपका वीडियो ऑडियो नहीं आएगा, देख रहे, इसलिए ऑडियो वीडियो लेकर आना है तो यहां पर वीडियो ट्रैक और ऑडियो ट्रैक का जो है ना सोर्स को पैच करना ही पड़ेगा, नहीं आपका पैच नहीं होगा तो आपका ऑडियो वीडियो नहीं आएगा। केवल वीडियो चाहिए, केवल ऑडियो चाहिए तो आप इस तरीके से इसकी पैचिंग को हटा सकते हैं, आप केवल ऑडियो या केवल वीडियो को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम कुछ रफ कट लगा लेते हैं जिससे आपको आइडिया लगे कैसे क्या काम करना है। इस पर गए, यहाँ लगा लिया, कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग कर दिया। इसके अलावा कुछ हम खाना खाने वाला एक शॉट ले लेते हैं, इसको शुरुआत में यहाँ लाना तो यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं। इसके अलावा और लेके आना है, जैसे ये वाला है इंडियन फ्लैग है, इसको भी इंसर्ट कर लिया। ये आपका मुंबई, ये दिल्ली, ये फ्लैग,
ये हम फ्लैग अलग अलग शॉट ले रहे हैं, ये फ्लैग का है, एक नाला है, इसके अलावा यदि हम यहाँ पानी वाला ले लिया, एक शॉट इसको ले लिया, इस तरीके से जो भी शॉट आपको चाहिए होते हैं, ये स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं लैपटॉप पे ले लिया, तो इस तरीके से आप रफ कट कर लेते हैं। रफ कट करने के बाद आपको इसमें बहुत सारी चेंजेस करने पड़ते हैं, इसमें इफेक्ट लगाना पड़ता है, ट्रांजिशन लगाना पड़ता है, इसको आगे करना पड़ सकता है, पीछे भी करना पड़ सकता है, ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसको टाइमलाइन पे हम लोग यूटिलाइज करते हैं। अब होता क्या है, जैसे हमने यहाँ पर ये पूरी क्लिप ली है, अब टाइमलाइन पे यदि आपको कट करना है तो क्या करना पड़ता है, टाइमलाइन पे कट करने के लिए यहाँ वीडियो को बेहतर देखने के लिए ट्रैक को ऊपर कर लीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, यहाँ से ट्रैक को बड़ा छोटा किया जा सकता है, इस लाइन से नीचे के ऑडियो ट्रैक को और ऊपर से वीडियो ट्रैक को। यदि आपको एक साथ सबको बड़ा ट्रैक को बड़ा छोटा करना है तो शिफ्ट दबाएंगे, तो शिफ्ट के साथ जब ऊपर करेंगे तो सारे ट्रैक एक साथ जो है ना बड़े होंगे एक साइड में, ऐसा यहाँ पे किया जा सकता है। यहाँ पर इन ट्रैक्स को बढ़ाया भी घटाया सकता है, ऐड ट्रैक और डिलीट ट्रैक दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ ट्रैक ऐड किया जा सकता है और यहाँ पर राइट क्लिक करके डिलीट ट्रैक पे क्लिक करके इसको डिलीट भी किया जा सकता है। टाइमलाइन पे कट करने के लिए, इसको टाइमलाइन को बड़ा छोटा करने के लिए हम जूम प्लस माइनस का यूज करते हैं, माइनस करेंगे तो आपकी टाइमलाइन छोटी होती जाएगी, प्लस करेंगे तो आपकी टाइमलाइन बड़ी होती चली जाएगी। आप चाहें तो यहाँ से भी इसको छोटा, इसको जूम करके आप छोटा बड़ा स्क्रीन को कर सकते हैं, यहां से ट्रैक को छोटा बड़ा किया जा सकता है। अब यहां पर कट लगाने के लिए हमें क्या करना है, अब आ जाती बेसिक एडिटिंग जो टाइमलाइन पे हम करनी पड़ती है। जैसे ये है, ये यहां तक आया हुआ, हमको ये यहां तक ही चाहिए, इसको कट करने के लिए क्या तरीका है, कट करने के लिए हमारे पास टूल भी होता है और उसका शॉर्टकट भी होता है, दो तरीके से आप कट कर सकते हैं किसी भी वीडियो को। किसी भी वीडियो को कट करने के लिए आप यहां पर ये जो है रेजर टूल है, इसको सेलेक्ट करके आप यहां क्लिक कर देंगे तो भी ये आपका कट हो जाएगा। एक और तरीका होता है इसको कट करने का, यहाँ पर हम जा सीक्वेंस में जाते हैं, यहाँ पर होता है एड एडिट, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल के, इस पर क्लिक करेंगे तो भी आपकी क्लिप कट हो जाएगी। जैसे हमको यहाँ से यहाँ तक कट करना है तो कंट्रोल के करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट ए होता है, सिलेक्शन टूल को इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और डिलीट कर देते हैं, इसको आप चाहें कहीं पर भी रख सकते हैं, इसको आगे की ओर लाएं। अब यहाँ कभी कभी क्या होता है, ट्रिमिंग कैसे करते हैं, यहाँ से यहाँ माउस लेके जाएंगे, इसका आइकन चेंज हो जाता है, इसको राइट क्लिक करके आप अपने हिसाब जहां तक आपको चाहिए वहां तक कट कर लेते हैं। इसके अलावा जब आगे कहीं बीच में कट करना हो तो आपको कंट्रोल के या सी बटन का ब्लेड टूल का ही यूज करना पड़ेगा, यहाँ नॉर्मली हम लोग कंट्रोल के करते हैं, इससे हम छोटा बड़ा यहाँ से आप छोटा बड़ा करके इसमें हम खिसका सकते हैं। इस क्लिप के बीच में जब गैप आ गया, कहीं कुछ आपने डिलीट किया गैप आया, तो गैप को हटाने के लिए सेलेक्ट करिए, डिलीट कर दीजिए, ये भी एक ऑप्शन है, या राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको रिपल डिलीट का ऑप्शन आएगा, रिपल डिलीट करेंगे तो भी ये डिलीट हो जाएगा और आपका ये ब्लैंक एरिया अटैच हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी वीडियोस को आप कट कर सकते हैं, कंट्रोल के करके या सी करके आप इसको कट किया जा सकता है, ओके। इसके अलावा एक और तरीका होता है, यहाँ पर जहां तक आपको नहीं चाहिए यहाँ आउट लगा करके बीच के पोर्शन को आप डिलीट कर सकते हैं, जैसे आप डिलीट करेंगे तो गैप रह जाता है, शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे तो रिपल डिलीट हो जाता है, तो आप रिपल डिलीट भी कर सकते हैं और कट भी कर सकते हैं, जहां चाहिए वहां कट करके इस तरीके से आप यहां पर इसको शिफ्ट डिलीट करेंगे तो कट हो जाता है। ये बहुत सारा ऑप्शन है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं पर कुछ भी आपको करना हो तो आप डरिए मत, सबसे जो बेसिक रूल्स है उसको फॉलो करना है आपको, ट्रिम करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, जो आपको करना है आप यहां से कर सकते हैं। यदि आपको कहीं म्यूजिक लगाना है तो म्यूजिक लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से आप जाइए म्यूजिक लीजिए, जो भी म्यूजिक आपको लेना है म्यूजिक आप यहाँ लाइए, टाइमलाइन पे लेकर के आइए, इसको आप जहाँ पे आप लगाना चाहते हैं वहाँ पे रखिए, इसको यहाँ क्लिक करके ऑडियो लेवल को कैसे एडजस्ट किया जाता है, यहाँ पर इसको ट्रैक को थोड़ा बड़ा करेंगे, ट्रैक को बड़ा करेंगे तो यहाँ से इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए जिससे आपको ट्रैक प्रॉपर दिखाई पड़े, ट्रैक ज़्यादा बड़े हो गए इनको आप छोटा भी कर सकते हैं, जो फालतू ट्रैक का साइज बड़ा है इसको आप अपने अनुसार छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक आपको चाहिए, हमने कहा था यहाँ तक आपको चाहिए कट लगाना है तो कंट्रोल के करेंगे ये कट हो जाएगा, और राइट क्लिक करके डिजॉल्व लगा देंगे तो यहाँ डिजॉल्व भी लग जाता है, जिससे कि फेड इन ऑडियो कम हो जाता है, ऑडियो का मैं जो है लेवल बड़ा है तो इसको आप इस लाइन को जो यहाँ लाइन दिख रही है इसको नीचे करके आप इसको डाउन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ऑडियो को हम कम ज़्यादा करके अपने हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। इस तरीके से आप ऑडियो को छोटा बड़ा करके यूटिलाइज कर सकते हैं, जब चाहें जैसे चाहें आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे एडवांस टूल्स टिक्स भी हैं जो आपको आगे आने वाले टाइम पर हम देते रहेंगे, मतलब आपको कैसे ऑटोमेटिक कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे करना है ऑडियो का,
ऑडियो की डकिंग कैसे करनी है, लेबलिंग कैसे करनी है, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो इस बेसिक टूल्स में नहीं आ सकता, इसलिए हम आपको यहाँ पर कट करना और यहाँ इंपोर्ट करना आपको बता दिए हैं। इतना करने के बाद आपको लोगों को दो चीज़ें और आपने नाम सुना होगा, इसमें इफेक्ट कैसे लगते हैं। इफेक्ट आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट पैनल में इफेक्ट विंडो होती है, यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट्स आपको मिल जाते हैं, ये करीब 6 कैटेगरी में आपको मिलते हैं। एक प्रीसेट्स हैं, लुटरी प्रीसेट है, ऑडियो है, ऑडियो ट्रांजिशन है, वीडियो ट्रांजिशन। हम पहले बात करेंगे वीडियो ट्रांजिशन। वीडियो ट्रांजिशन यहाँ पर आपको अवेलेबल रहते हैं, जो आप करना चाहें जैसी आपकी आवश्यकता हो यहाँ से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कोई कलर करेक्शन करना चाहते हैं तो टिंट को लेंगे, यहाँ ड्रॉप करेंगे, जैसे यहाँ ड्रॉप करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, लेकिन इसके पैरामीटर आपको कहाँ दिखाई पड़ेंगे जहाँ से इसको हम एडजस्ट करते हैं। तो इसको हम पैरामीटर्स को दिखने के लिए यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल पैनल होता है, यहाँ पर जब नीचे जाएं यहाँ टिंट का ऑप्शन है, यहाँ से इसको ऑन और ऑफ किया जा सकता है। आप चाहे इसकी वैलिडिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसके कलर को भी चेंज किया जा सकता है, आप अपने हिसाब से देखिए। पहले क्या था, ब्लू था, हमने इसको रेड कर दिया। आप चाहें तो यहाँ से कलर चेंज करके इसको ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा हो इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार कलर करेक्शन किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर जो आपको करते करते समझ में आएगा। कलर बैलेंस है, ये है, चैनल मिक्सर है, डिस्टॉर्ट है, डिस्टॉर्ट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मिरर इफेक्ट है, सेवराइज है, लेंस डिस्टॉर्शन है। लेंस डिस्टॉर्शन क्या है देख लीजिए, देख रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे इफेक्ट होते हैं जिससे आपको एक तरीके से अपने वीडियोस को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे ट्रांजिशन आपको मिल जाते हैं, इसको ड्रैग करके आप क्लिप के बीच में लगाएंगे, यहाँ आप देखेंगे आपको ये इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, ये बेसिक ट्रांजिशन इसमें दिए रहते हैं, बाकायदा और जो है सिनेमैटिक जो ट्रांजिशन है वो आपको नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे कई सारे साइट्स हैं जिससे हम डाउनलोड किया जा सकता है। आपको जल्दी हम एक वीडियो देने वाले हैं जैसे कहाँ कहाँ से आप वीडियो ऑडियो एंड कहाँ कहाँ से आप प्रोजेक्ट इफेक्ट्स ट्रांजिशंस और स्टॉक फुटेज को कैसे डाउनलोड करेंगे और कहाँ से डाउनलोड करेंगे, इस बारे में नया वीडियो हम जल्दी ही आपको देंगे। ये बहुत सारे ट्रांजिशन यहाँ पर रहते हैं, इन दोनों को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ये सिंगल क्लिप पर भी यूज कर सकते हैं और डबल क्लिप पर भी यूज कर सकते हैं। सिंगल ट्रिप का मतलब ये होता है जैसे यहाँ डबल यूज हो रहा है, ये सिंगल पे जब शुरुआत में से ये है, ये सिंगल मोड है, इसको हम क्लिक करें तो सिंगल पर भी इसको यूटिलाइज किया जा सकता है, देख रहे। एक और ऑप्शन जो बहुत ज्यादा बचता है वो कंपोजिटिंग का होता क्या है, आपने बहुत बार देखा होगा स्टिल इमेज लगाते हैं उसको एनिमेट करना होता है या उसको बड़ा करना चाहते हैं, स्केल करना चाहते हैं, इस क्लिप को बड़ा करना छोटा करना, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे तो पोजिशन, ये मोशन इफेक्ट कंट्रोल में मोशन मिलता है, यहाँ से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, यहाँ से आप पोजिशनिंग कर सकते हैं किसी भी फ्रेम को अपने हिसाब से, और ये आपका हॉरिजॉन्टल चलता है, ये आपका वर्टिकल चलता है, अप एंड डाउन एंड वर्टिकल चलता है। अब जो आप चाहें करना चाहें कर सकते हैं, इससे आप स्केल को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। रोटेशन देने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन रोटेशन का भी अवेलेबल रहता है, रोटेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक ओपेसिटी का ऑप्शन नीचे आता है, ओपेसिटी से क्या होता है, यहाँ पर ओपेसिटी करके आप इसकी वैल्यू को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, देख रहे हैं ओपेसिटी से आप दोनों वीडियो को मर्ज किया जा सकता है। ओपेसिटी के अलावा भी यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं जिसमें ब्लेंडिंग मोड कहते हैं, इनका यूटिलाइज करके भी दो वीडियोज को मर्ज किया जा सकता है। ये है देखिए, यहाँ पर अलग अलग तरीके से वीडियो मर्ज किए, ये सिंपल है, आप कैसे भी चाहे कि इसको अपने हिसाब से इसको मर्जिंग किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे अन्य ऑप्शंस भी आपको मौजूद रहते हैं जो टाइमलाइन पर आपको यूज करने के लिए, जैसे सीक्वेंस है, ट्रैक को सिलेक्शन टूल को आगे पीछे करने के लिए इसका क्या होता है, जैसे हमको इतनी चीज़ को आगे बढ़ानी तो ऐसे करके आप यहाँ गैप क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी क्लिप को आगे के सीक्वेंस को आप गैप क्रिएट करना हो तो आप इसका यूटिलाइज करते हैं। ये जो है रिपल रोलिंग रेट एंड ये रिमिक्स टूल, रिमिक्स टूल ऑडियो के लिए यूज किया जाता है, स्ट्रेच टूल आप वीडियो की स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए यूज किया जाता है, रिपल और रोलिंग टूल हमारा यूज किया जाता है एडजस्टमेंट इन और आउट पॉइंट को एडजस्ट करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है, रिपल टूल और रोलिंग टूल को, इसके बारे में हम आगे जरूर बताएंगे कि कैसे यूज किया जाता है। ये आपका ब्लेड टूल है, ये स्लिप एंड स्लाइड है, इसमें क्या होता है आपके क्लिप की, यदि आपकी कोई क्लिप गलत लग गई है उसमें कुछ फ्रेम को निकालना है कुछ ऐड करना है तो बिना किसी रिप्लेस किए ही आप वीडियो को एडजस्ट करते हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है। पेन टूल इसका हम यूटिलाइज करते हैं मास्किंग में और ऑडियो को लेबल करने के लिए पेन टूल का यूटिलाइज किया जाता है। पेन टूल से इससे आप ऑडियो को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ये सब यूटिलाइज किया जाता है इस पेन टूल के द्वारा। यहाँ पर यह रेक्टेंगल टूल है, यदि आपको कहीं पर कोई चीज शेप बनाना है तो उसके लिए यूटिलाइज किया जाता है, शेप बनाना हो चाहे सर्किल हो, ओवल हो या पॉलीगॉन हो, कुछ भी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको बना सकते हैं। इसकी सेटिंग आप यहाँ देखें मिल जाएगा, यहाँ से इसका कलर वगैरह भी चेंज
कर सकते हैं, बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर वगैरह भी आप यहाँ से लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो चाहें आप यहाँ से उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। ये हैंड टूल होता है, आप किसी भी टाइमलाइन को या स्क्रीन, ये ज़्यादा जूम है तो उसको देखने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। ये टाइपिंग के लिए टूल यूज़ किया जाता है, जो टाइप करने के लिए कहीं पर कुछ टाइप करना है तो आप यहाँ पर यूटिलाइज कर देते हैं। सिंपल है, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके जो फॉन्ट वगैरह होता है यहाँ पर ही आपको मिल जाता है, यहीं पर इससे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आपके साथ ऑप्शन है, उनको कलर चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट के भी ऑप्शन यहाँ अवेलेबल रहता है। कलर चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक या फिल कुछ भी बैकग्राउंड जैसा भी चाहें, इनकी पोजिशन को भी अप एंड डाउन किया जा सकता है, इसको स्केल भी किया जा सकता है। इसके फॉन्ट का साइज यहाँ पर दिया था, फॉन्ट का साइज भी बड़ा छोटा किया जा सकता है। इसको आप मैन्युअली भी आप रख करके अप एंड डाउन जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ से मिल जाते हैं टेस्ट लगाने के रिलेटेड। इसका ऑडियो मीटर आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए अभी अलग अलग चैनल आ रहा है। यदि चैनल मिक्स करना है तो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑडियो चैनल का, इसको हम राइट कर लीजिए या ऊपर को लेफ्ट कर राइट कर दीजिए या इधर को राइट कर दीजिए, तो आप देखिए दोनों चैनल आप एक जैसे आपको यहाँ पर दिखाई पड़ने लगेंगे। इसमें बहुत सारे नए नए ऑप्शंस भी ऐड कर दिए गए, जैसे एसेंशियल ग्राफिक्स भी यहाँ पर एक बहुत सारी चीज़ ऐड की है। एसेंशियल ग्राफिक्स में जाते हैं तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जो यदि आप कुछ ऐड करना चाहते हैं टेस्ट में स्पेशल तरीके से टेस्ट वगैरह, तो ये आपको यहाँ पर देखिए सब मिल जाते हैं। इनको यूटिलाइज करके आप कहीं पर कुछ भी बना सकते हैं, चाहे आप लोअर थर्ड बनाना हो या कोई टाइटलिंग बनाना हो या टेस्ट लिखना हो, ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे देता है, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। कमिंग अप पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए क्या है, कमिंग अप आया है, कमिंग अप नेक्स्ट है, राइट। ये इसको चाहें तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे देखिए यहाँ क्लिक करके कुछ भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। एसेंशियल ग्राफिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम यूटिलाइज करते हैं टेस्ट को एडजस्ट करने के लिए, ग्राफिक्स और टेस्ट को मिलाने के लिए, तो एसेंशियल ग्राफिक्स में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी दी गई हैं, इनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और चाहे आपको अलाइनमेंट सेट करना हो, चाहे साइज सेट करना हो, चाहे लीडिंग सेट करना हो, करंट सेट करना हो, या कई सारे एलिमेंट्स को आप जो है अलाइनमेंट देना हो तो उसके लिए भी इन अलाइनमेंट्स का यूटिलाइज किया जाता है। इसके बारे में हम अलग से एसेंशियल ग्राफिक्स का वीडियो बनाएंगे तब हम आपको बताएंगे, नहीं तो आप हमारा पुराने वीडियो ट्यूटोरियल देख लीजिए उसमें आपको मिल जाएगा। इन सब विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे mantra.com यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ ऑलरेडी हमने बहुत सारा प्रीमियर प्रो से डिटेल में वीडियो बनाया हुआ, उनको आप देखिए, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम बचा क्या है, आपको एक्सपोर्ट करना है, इसको करने के बाद फाइल में जाते हैं, यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन होता है, मीडियम जाएंगे, यहाँ से आप कुछ भी एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपको दिया जाता है। यहाँ से फाइल का नाम देना है, यहाँ से आपको लोकेशन चूज करनी है, आप कहाँ पर लोकेशन देना चाहते हैं, डेस्कटॉप में जाएंगे mantra यहाँ ट्यूटोरियल में, यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्सपोर्ट, ये यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका होता फॉर्मेट, आप बहुत सारे फॉर्मेट्स इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऑडियो फॉर्मेट कर सकते हैं, वीडियो फॉर्मेट कर सकते हैं, इमेज कर सकते हैं। हमें वीडियो करना है वो भी अपलोड करने के लिए तो S.264 चलता है। ब्रॉडकास्टिंग के लिए आपको यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ये ऑडियो फॉर्मेट है, ये स्टिल है, ये क्विक टाइम आपको ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, PNG फाइल है, MXF है, DVD के लिए है, ब्लू-रे के लिए, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन हम सामान तौर पर यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए या किसी को कुछ भेजने के लिए हम S.264 इज द बेस्ट क्वालिटी फॉर शेयरिंग, तो यहीं से हम YouTube के लिए जो बनाते हैं वो यहीं से आपको बन जाता है और यहीं से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, देखिए एक्सपोर्टिंग क्रिया शुरू हो गई, आपको एक्सपोर्ट हो गया है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देता है कि कहाँ पर के आपका एक्सपोर्ट हुआ है, हम वहाँ जा करके इसको देख सकते हैं। डेस्कटॉप यहाँ पर जाएंगे, mantra ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल में हमने देखे एक्सपोर्ट क्लिक किया था, ये आपका ये वीडियो एक्सपोर्ट हो गया। यदि आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप इनको देख करके सीख सकते हैं। चाहे आपको EDS सीखना हो, चाहे प्रीमियर सीखना हो, चाहे After Effects सीखना हो, चाहे फोटोशॉप सीखना हो, ये सारे के वीडियो ट्यूटोरियल्स हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब तक 1700 वीडियोस हम YouTube चैनल पर अपलोड कर चुके हैं और अब तक हमारे पास लगभग 63,600 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमें सब्सक्राइबर हैं। ये यहाँ पर अपडेट है जो
वेडिंग वीडियो एडिटिंग से संबंधित लोग जानते हैं, डोंगल डाटा हमारा सेल होता है EDS का और प्रीमियर का। यदि आप लोग लेना चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलेंगे आपको किसी अन्य वीडियो में, तब तक की रामा की राम राम।